अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, पीसीबी अध्यक्ष रमीज रजा का चौंकाने वाला बयान सामने आया। भारतीय मार्केट से आती है आईसीसी की 90% फंडिंग। आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं रमीज रजा, जिनका एक चौंकाने वाला बयान सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भारतीय मार्केट है वहीं से आईसीसी की 90% फंडिंग आती है। भारत के रहम पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चल रहा है। जिस दिन भी भारत के प्रधानमंत्री चाहेंगे, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड बंद हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं रमीज रजा, और देखिए उनका ये बयान अब सुर्खियों में है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसे आ रहे हैं वो आईसीसी की तरफ से आ रहे हैं। मैं समझता हूँ जी, और जो फ्राइटनिंग चीज है मैं आपसे शेयर करूंगा, और मैंने सबसे क्रिकेट बोर्ड में भी कहा है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है, और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं, और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आते हैं। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे, और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कलैप्स भी हो सकता है। उसकी फाइन से जी आप देखें ना, 90% जो आईसीसी की फंडिंग है दैट इज ड्रिवन बाय इंडियन कंपनी। आईसीसी जो है वो ऑस्ट्रेलिया ही खड़ा होगा जी सामने, आपने देख लिया अभी जो हाल हुआ है, 2 मिनट में वो पैकअप करके चलेगा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ये नहीं है पाकिस्तान, क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्रिकेट की उस हिसाब से नहीं है। पाकिस्तान कितना कंट्रीब्यूट करता है आईसीसी को? हम 0 करते हैं, क्योंकि हमारी तो ड्यूटी नहीं।